आज हम बना रहे हैं आलू की झुलानी। यहाँ पे देखो बड्डी जी, यहाँ पे तमाशा देख रही हैं एकदम से। ये देखो मोनाल दीदी जी, आप तेजोगी नारायण से ना। और यहाँ पर साग बनना शुरू हो चुका है और यहाँ पर खाना परोसा जा रहा है और हमारे लिए खीर बनाई गई है। मैं क्या कहूँ, दीपक लगाया होगा दोस्तों, बहुत पुराने जमाने का है तो मतलब यहाँ पे किसी ने दीपक लगाया होगा। आराम आराम चलेंगे, चाल रखो, कछुआ वाली रखो, धीरे रखो, लेकिन निरंतर चलते रहो तो जरूर आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। सुबह हम 9:30 बजे निकले होंगे, 9:30-10 बजे निकले होंगे। ठीक है, बारिश हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, गर्मी आए ताकि हम आगे का सफर तय कर सकें इजिली। रास्तों में कई सारे पेड़ टूटे हुए हैं, अभी हम जब नीचे आ रहे हैं ना देख के ही मेरे होश उड़ रहे हैं। वो वही लोग हैं, तीन लोग, ये देख सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम त्रिजुगी नारायण। त्रिजुगी नारायण की हसीन वादियों से नई सुबह के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आई एम श्रीनिवास फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड की हसीन वादियों से और इन सुंदर से पहाड़ों से। आज हम जानने वाले हैं त्रिजुगी नारायण से पावले कांटा। त्रिजुगी नारायण से पावले कांटा की दूरी है 27 किलोमीटर और वो भी खड़ी चढ़ाई है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा बैग पैक भी हो चुका है, अभी यहाँ पे स्पीकर चार्ज हो ही रहा है, मेरा कैमरा वाला बैग और एक बैग, वो तो काफी सारा सामान ले लिया हमने, चाहे वो खाने से लेकर हो हमने ले लिया है और हम भी तैयार हो चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:15 यानी कि 8:15 हो रहा है। अभी बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है और बारिश भी लगी रही है और कोहरा भी लगी रखा है, मतलब कि भाई खतरनाक वाला मौसम हो रखा है। मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि 27 किलोमीटर चढ़ना है और वो भी बारिश है और रास्ता भी फिसलन वाला होगा। मैं भगवान नारायण से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भगवान बस बारिश हो कोई दिक्कत नहीं है, पर कहीं टूट फूट ना हो क्योंकि पत्थर गिरने का डर रहता है, गिरने गुरने का डर रहता है। भले हम 6 बजे पहुँचे 7 बजे पहुँचे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन थोड़ा डर है तो थोड़ा टूट फूट कर कि टूट फूट ना हो, भगवान नारायण अपनी कृपा बनाए रखना। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा भगवान नारायण जी के दर्शन करने, भगवान जी के दर्शन कर लेंगे और उसके बाद सीधा निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम वहीं से निकल जाते, जाते समय भी भगवान के दर्शन कर लेंगे तो भगवान का आशीर्वाद और रहेगा हमारे ऊपर। अभी मैंने गुरु जी को बोला है कि गुरु जी हमें थोड़ा तिलक कर दो, तो गुरु जी चले गए हैं तिलक लेने। जब हम यहाँ पे आए थे तो मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब हम घर जा रहे हैं ना तो सच में बता रहा हूँ कि मतलब कि बहुत बुरा सा लग रहा है। हालांकि हम फिर भी आएंगे कभी भगवान नारायण के दर्शन करने, आज ही का दिन जीवन है, कल क्या पता क्या होता है, तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा। और जब यहाँ से जाने की बारी आ रही है ना तो मतलब कि थोड़ा सा सैड मोमेंट हो रहा है, थोड़ा इमोशनल से हो रहे हैं कि जैसे बोलते हैं ना किसी को मिस कर रहे हैं जैसे घर से जाते हैं ना, तो थोड़ा सा लग रहा है। पर भगवान अपनी कृपा ऐसे बनाए रखना, दोबारा जरूर आएंगे आपके चरणों में। बाय कहते हुए कल भी हमने यहीं पे खाना खाया था और आज भी हमें नाश्ता किया। चलो बड़े जी, गुरु जी बाय बाय फिर जी, बाय बाय बाय। और अभी हम निकल चुके हैं त्रिजुगी नारायण से। और अभी हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और हमें छोड़ने यहाँ पे नरदी भाई आए हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, और मतलब कि भाई जैसा भाई मतलब कि बर्ताव इनका अच्छा लगा, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। बहुत धन्यवाद नरदी भाई, मिलते हैं फिर है ना, फिर कभी मिलते हैं, चलते हैं फिर। अभी भगवान नारायण की कृपा से बारिश तो बंद हो चुकी है, पर चढ़ाई देखो भाई। और सो फाइनली दोस्तों हम उस लोकेशन में पहुँच चुके हैं जहाँ से कि हमने परसों रास्ता भटका था। एक्चुअली में हमें यहाँ आना था और हम ना इस रास्ते को चले गए थे, ये देख सकते हैं चौधरी खाने पहुंच चुके हैं, इधर जाना था नीचे लेकिन हम उधर तरफ चले गए थे। नतीजा ये हुआ कि समय थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगा और उधर घूम घाम के भी आ गए है ना। और खाल ऊंचाई 2600 मीटर। रास्तों में कई सारे पेड़ टूटे हुए हैं, तो जब आप लोग आते हैं ना थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आए, आपके आगे जो सूखे पेड़ हैं वहाँ पर थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करें।
और यहाँ पर एक और नया बोल मिला हमें, कनेट छानी मग्गू के लिए यहाँ जाना है और छानी के लिए इधर से जाना है। कृष्ण सरोवर दूरी 700 मीटर। ये रास्ता देखो भाई कितना साकरा मार गया, और ये देखो यहाँ से नीचे जाएंगे भाई तो नीचे गिरेंगे सीधा, मेरा फोन ना गिर जाए कहीं। भाई साहब डर भी लग रहा है पे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलने की कोशिश करें क्योंकि कभी भी गिर सकते हैं। और हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे तो काफ़ी सुंदर धूप लग चुकी है, ये देख सकते हैं। अगर भाई ऐसी धूप लगी रही तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो हसीन वादियाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने काफ़ी सुंदर मौसम अभी लग रहा है। और सो फाइनली दोस्तों हम मग्गू चट्टी में पहुँच चुके हैं। समुद्र तल से ऊंचाई है 3000 मीटर। यहाँ से जो हमारा दूसरा पड़ाव पड़ेगा वो है कनखलिया खाल, 3 किलोमीटर यहाँ से। भाई साहब अभी तक हमने त्रिजुगीनारायण से मग्गू चट्टी केवल 6 किलोमीटर सफ़र की तय किया है, और हम निकले थे 9:30 बजे से, अभी 12:30 बज रहे हैं। भाई साहब अभी हम एक ऐसी लोकेशन में पहुंचे हैं जहाँ पे कि 2013 में जब बाढ़ आई थी ना उस समय यहाँ पे भी उस टाइप से ही बाढ़ आई थी। यहाँ देखो भाई ऊपर से टूटा है पूरा, और यहाँ नीचे तक देखो भाई ऐसी तबाही मची थी। और सो फाइनल दोस्तों मग्गू से मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, मतलब कि 19 मिनट का समय तय करके, तो आपको मैं मग्गू दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं मग्गू यहाँ पे है, ये कोरा लग रखा है, ये छानी है ना यहाँ पे, ये देखो ये वाली छानी है ना यहाँ पे, ये वाली, और इतना दूर ये इस प्रकार से मार्ग है। और ये हमारे हर्षिक भाई बने हुए हैं साथ में, थोड़ी बहुत पसीने भी आ रही है और हल्की हल्की बूंदें बारिश की भी गिर रही हैं। आसपास का जो वातावरण है पर्यावरण है काफ़ी शुद्ध है और काफ़ी हरियाली बनी हुई है, कभी धूप लग रही है कभी कोहरा लग रहा है, और हल्की हल्की बूंदें बारिश की भी गिर रही हैं। इंजॉय कर रहे हैं, थकान भी लग रही है, परंतु जो चारों ओर का जो वातावरण है ना कोहरे जाने के बाद जो दिखाई दे रहा ना, तो मतलब कि कुछ पता नहीं चल रहा है, हर की थक भी लग रही। जारे चत बैसाख मेरो मुन स्यारा, क्या भलो रंग रंगीलो मिलन जो हरा। दोस्तों चलते चलते पसीने भी काफी आ चुका है, और आपको मैं दिखा रहा हूँ वो चढ़ाई जो हमें अभी चढ़नी है, तो कोहरे से भी दिख नहीं रही है, पर यहाँ देखो भाई यहाँ तक जाना है हमने। ओ भाई साहब देख के ही मेरे होश उड़ रहे हैं, पर हम वहीं तक जाएंगे, पर बिना रुके हुए आराम आराम चलेंगे। चाल रखो, कछुआ वाली रखो, धीरे रखो, लेकिन निरंतर चलते रहो तो जरूर आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की चढ़ाई है भाई यहाँ देखो, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे पीछे पीछे से कोहरा भी आ रहा है, और पीछे एकदम रास्ता बंद हो रहा है भाई यहाँ देखो, खतरनाक सा मौसम। ओ भाई साहब सांस इतनी फूल रही है ना क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस चढ़ाई से निपट करके, उस चढ़ाई को पार करके इस धार में, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कनखलिया खाल समुद्र तल से ऊंचाई है 3200 मीटर, पवाली कांठा मग्गू चट्टी यहाँ से है पवाली कांठा 16 किलोमीटर, और मग्गू चट्टी यहाँ से नीचे हम जाएंगे तो 3 किलोमीटर पड़ती है। तो अभी मग्गू चट्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें जस्ट आगे जाना है, और कब हम पाली तक पहुँचे और उसके बाद हम थोड़ा सा चैन की सांस ले पाएंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चढ़ाई चढ़ाई मतलब कि ये हमने सोचा था ना कि चढ़ाई कब चढ़ेंगे, मतलब ना फाइनली हम चढ़ चुके हैं, है ना। और अभी हम यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं, मैंने नीचे ही त्रिजुगीनारायण में एक बादाम का पैकेट लिया था, उसकी ओपनिंग में हम यहाँ पे करते हैं, थोड़ा बहुत शरीर में जाना जाएगी तो हम बादाम को एंजॉय करते हैं। आप इस वीडियो को एंजॉय करो। अभी हमने निकाल दिए हैं बादाम और किशमिश, तो इन पहाड़ों को चढ़ने के लिए, इन पहाड़ों की ऊंचाई को नापने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर चाहिए होगी, और खासकर ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे ताकि शरीर में थोड़ा एनर्जी आए, थोड़ा सा गर्मी आए, ताकि हम आगे का सफ़र तय कर सकें ईजिली। तो बादाम खाने के लिए तैयार हैं अभिषेक भाई और मैं,
और इन महीनों में लोग यहाँ पर यात्रा करते रहते हैं। ये रास्ता काफ़ी बिजी रहता है, मतलब कि लोग आते जाते रहते हैं, तो यहीं पर लोग काफ़ी लोग यात्री आए रहे हैं। ये देख सकते हैं जो हमें उस दिन वहाँ पर मिले थे ना, वो वही लोग हैं, तीन लोग। ये लोग गए थे उस दिन पवाली और हमारे थे राजकरको। हमने उस दिन स्टे किया था राजकरको में और इन लोगों ने स्टे किया था पवाली घाटा में। तो उन लोग से पूछते हैं कि आप हो कहाँ से और कहाँ गए थे आप। सुबह हम 9:30 बजे निकले होंगे, 9:30-10 बजे निकले होंगे। ठीक है, बारिश हाँ थोड़ा बहुत ठीक ही थी, मतलब बारिश। और आप कहाँ से हो भाई जी? त्रिजुग नारायण से। अच्छा अच्छा, आप पवाल तक पवाल रहेंगे परसों? गुत्तू गए घूमने? अच्छा अच्छा, कब गुत्तू? कल रहेंगे गुत्तू? खतरनाक। और आगे मैंने गोबरू पकड़ा दिया है अभिषेक के पास। ये नजारा देखो भाई, ये नजारा देख के ना इतना मजा आता है, इतना सुकून आता है। देखो जो थकान है ना, वो थकान पूरी दूर हो जाती है। ये देखो भाई काफी सुंदर बड़ुमा बुरास का फूल जब बनांग लगाना हो। ये चढ़ाई चढ़नी अब, एक और चढ़ाई आ रही है, बीच में एक वाटरफॉल मिलेगा। ये झरने देखो भाई, वाह। डांडी काठू कोयो गोरी गे होलो म्यारा मैं तक बोण मोरी गे होलो डांडी काठू कोयो गोरी गे होलो म्यारा मैं तक बोण मोरी गे होलो। इन फूलों के क्यारों के बीच से गुजरते हुए कुछ इस प्रकार से रास्ता जाता है। और अब हम प्रवेश करते हैं नई लोकेशन पर, जहाँ का नाम है ताले बुग्याल। ये देखो मोनाल। और सो फाइनली दोस्तों, अभी हमने मोनाल देखा है जो कि नीचे में गया है, तो हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे घोड़े खच्चर भी चलते रहते हैं। कहाँ से हैं आप? राजकर। अच्छा, राजकर से। कितना दूर है राजकर यहाँ से आप? सवा एक घंटे का रास्ता ना। बढ़िया बढ़िया। आप त्रिजु किनारे सामान के लिए? अच्छा अच्छा, आप कहाँ से? हम तो यहीं से, गुत्तू से। हाँ, हम त्रिजु किनारे तक जा रखे थे। हाँ, कितना टाइम लगेगा, पहुँच जाएंगे जल्दी? रास्ता तो ठीक है ना नीचे नीचे? अब ठीक है ना नीचे? तो हाँ, ये तो बहुत खराब है। कितना सामान लाते हो आप इनमें? 70-80। ऐसा मत करो यार। यार इनका काम ये है। अरे भाई काम है तो ऐसा थोड़ा ना यार कि हमारे ऊपर कोई ज्यादा, मतलब कि हद से ज्यादा वो कर देगा तो ठीक नहीं है ना। 50-60 हम भी झेल लेते हैं। नहीं यार सच में। तो खाना क्या क्या देते हो आप इन्हें? खाली जंगल का। जंगल का कुछ ऐसे चने चुने तो नहीं देते हो? क्यों? सिस्टम ही नहीं है। केदारनाथ में हो रहा है ना, ये चीज मत करना कभी, मतलब कि ज्यादा ही उनपे ना ज्यादा। नहीं वो काम ही नहीं है ना इनका, तो एक हफ्ते में जाएगा, डेढ़ में जाएगा। अच्छा अच्छा, दो हफ्ते में एक आध रोन आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या सामान लेके आओगे इनमें? इनमें ऑटो राशन आएगा, यहाँ से मावा जा रहा है। जब तक आपको मैं मोनाल दिखाने वाला था तब तक इन्होंने सीन ही बिगाड़ दिया भाई। तब तक ये लोग आए, वो मोनाल ही उठ गया भाई। और सो फाइनली दोस्तों, हम एक और नई लोकेशन पहुंचे हैं, जहाँ का नाम बोलते हैं दियो लांप, मतलब कि जो दीपक की जो लांप होती है ना दोस्तों, मतलब कि जो दीपक जलती है ना, तो उसके ऊपर से लांप जो आती है ना, तो वो है, वो ऐसा नहीं है कि किसी ने दीपक लगाया होगा, तो ये बहुत पहले का दीपक लगाया होगा दोस्तों, बहुत पुराने जमाने का है। तो मतलब यहाँ पे किसी ने दीपक लगाया होगा और ये लांप अभी तक है, लोगों का मानना है। यहाँ पे लोग तिलक वगैरह लगाते हैं और ये देख सकते हैं, इस पत्थर पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सुंदर। अभिषेक भाई यहाँ पर जूते निकाल रहे हैं और एक परंपरागत ढंग से यहाँ पर धूपबत्ती जलाएंगे और माँ भगवती को, माँ बन देवी को प्रणाम करेंगे और ये होती है कृपा। जैसे हम यहाँ पहुँचे ना सत्यजील से, हमने बोला था कि यहाँ पे हम धूपबत्ती वगैरह लगाएंगे और ये देखो भाई एकदम से मौसम परिवर्तित होता हुआ और एकदम से धूप आती हुई।
अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे गुजरों की कोठी है, यानी कि यहाँ पे इनकी भैंस रहती हैं और वो कुत्तू बिलंग वगैरह पूरा दूध पहुँचाते हैं, माँ बाप पहुँचाते हैं, तो उनके बच्चे हैं। जब हम यहाँ से गए थे ना तो बीच उनके गार्जियन लोग मिले थे, तो उनके हमारे बच्चे भी हैं इधर, तो उनके लिए हमने कुछ नमकीन वगैरह ला रखी हैं, चॉकलेट वगैरह, तो उनको देंगे। ये देखो भाई, घास फूस की झोपड़ी बना रखी है कुछ इस प्रकार से। भाई कुत्ता भी, पर कुत्ता भौंक नहीं जाएगा, वैसे ही बात ये है। और भाई जी, हो गया खाना पीना? अभी नहीं हुआ, अब तो शाम को। अच्छा, शाम को खाएंगे। अच्छा, और बच्चे कहाँ हैं आपके? यहीं है। ओके, थोड़ा बाहर भेज दो यार उन्हें। आ जाओ। तो ये देखो उनके बच्चे, थैंक यू, कितना क्यूट है भाई, यहाँ देखो कितना क्यूट है एकदम। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ा धर्म है, तब वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। ये सब आपके लिए। और सो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं राजखरको में, यानी कि नाना जी की जहाँ पर छानी है, तो अंदर चलते हैं और चाय वगैरह पीते हैं। और आज हम नाना जी की छानी पे रुक रहे हैं। अभी त्रिजुगी से आते हुए हमने यहाँ पे चाय इंजॉय की और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे रुक के। जब तक मंजिल पे इंसान पहुँच जाता है तब तक सुकून नहीं मिलता है, और उसी प्रकार से हमारे साथ हुआ और यहाँ पर आए हम। और यहाँ पर काफ़ी लोग त्रिजुगी के भी रुक रखे हैं, जो कि पंवाली घूमने आ रखे थे, वो कल आए थे यहाँ पे, आज वो पंवाली वगैरह घूमे और आज वो यहाँ स्टे कर रहे हैं, और कल सुबह वो निकलेंगे त्रिजुगी नारायण के लिए। और हमारा क्या प्लान बनता है कि कल हम पंवाली कांटा रुकते हैं, या हम माटिया बुग्याल जाते हैं, या हम दोपुन जाते हैं, जो भी होगा आपको बताता रहूँगा। और आज के खाने में बनाया जा रहा है आलू का साग। हमारे गांव में साग ही बोलते हैं, दाल सब्जी ऐसा कुछ नहीं बोलते, हमारे गांव में बोलते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू की झुलानी, और इसे बनाने में हमारी बॉडी जी हमारी मदद कर रहे हैं। और यहां पे देखो बड़ी जी यहां पे तमाशा देख रही हैं एकदम से। और हमारे भाई साहब यहां पर हैं। कहां से हैं दीदी जी आप? त्रिजुगी नारायण से ना? आप आज यहां घूम गए ना पूरा पंवाली? बढ़िया। तो आज हम देखते हैं कि दीदी जी के हाथों में कितना टेस्ट है, कितना स्वाद है। वो हमारी मम्मी की याद हमें दिला पाते हैं कि नहीं दिला पाते हैं, और मुझे घर की काफ़ी खुद लग रही है, जिसे बोलते हैं कि मम्मी को मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो आज ये लोग खुद मिटा पाते हैं कि नहीं मिटा पाते हैं, समय पता चलेगा। ओ भाई साहब, बढ़िया बढ़िया, पता चलेगा उसके बाद, वीडियो बनेगी उसके बाद, आपको सब कुछ बता देंगे हम। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपको रिव्यू देंगे कि किस प्रकार से आपने खाना बनाया है। दो तीन गांव से कटा हो रखे हैं खाना बनाने वाले। से आलू को साफ किया गया है, ये देख सकते हैं काफी सुंदर। अभी हम जा रहे हैं भैंसों को लाने, तो नाना जी जा रहे थे पर मैंने बोला कि नाना जी आप मत जाओ, हम जाते हैं। तो अभी अभिषेक और मैं जा रहे हैं भैंसों को लाने, और फिर खाएंगे हम आज रात को खीर, जो कि हमारे पहाड़ों में बोला जाता है, हमारे पूरे गढ़वाल में बोला जाता है कि श्रावण की खीर जिसने नहीं खाई है तो मतलब उसने कुछ खाया ही नहीं है। लगा भी चल 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 कर चल कर। मैं क्या कहूँ, ना चल इधर चढ़ पा बैठ। और यहाँ पर साग बनना शुरू हो चुका है, ये देख सकते हैं कुछ प्रकार से खाने की तैयारी चल रही है। और अभी टाइम हो चुका है 9:15, रात के 9:15 बज चुके हैं, और यहाँ पर खाने की तैयारी चल रही है। और अब वो टाइम आ चुका है जो दीदी जी बोल रही थी कि तभी पता चलेगा कि किस टाइप से खाना बन रखा है। और यहाँ पर खाना परोसा जा रहा है, और हमारे लिए खीर बनाई गई है, यानी कि सबके लिए खीर बनाई गई है। और वहाँ पे भाई अकेले अकेले बैठ रखा है भाई, तो खाने को एंजॉय करते हैं और बताते हैं आपको कि खाना कैसा बन रखा है। ये रोटी, और ये आ गए हमारे लिए साग, और ये हमारे लिए खीर दूध बाद। आपके गांव में क्या बोलते इसको? खीर। तस में भी बोलते हो? दूध बाद नहीं बोलता, दूध बाद बोलते ना। अभी रात के बज रहे हैं 10, और अभी हमारा खाना पीना हो चुका है। इतना टेस्टी साग बन रखा था और इतनी टेस्टी खीर बन रखी थी, खा के मज़ा आ गया है, आनंद आ गया है, और थकान भी काफ़ी लग चुकी है, हमारा बिस्तर वगैरह भी लग चुका है। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है।